नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आज हम नया पाठ सीखेंगे। पाठ का नाम है सुबह यानी सबेरा यानी सवार। गुजराती में शू थाय सवार जोइए। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इन बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन का विज्ञापन आता है दो बूंद जिंदगी के। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उनकी शारीरिक कमी उनके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिल एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। प्रस्तुति इकाई में रेशमा नामक एक पोलियोग्रस्त लड़की की कहानी है। इस इकाई में हमें क्या सीखना है, तो पोलियोग्रस्त एक लड़की है जिसका नाम रेशमा है। रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। वह अपने सभी काम खुद ही करती है और घर के कामों में भी अपनी माँ को मदद करती है। तो चलिए हम देखते हैं कि रेशमा के जीवन में उसकी यह जो विकलांगता है वो कभी बाधा नहीं बनी। चलो हम देखते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। सवार सवार में रेशमा ने जोयू के घर में बधा ज लोको साफ सफाई करवामां व्यस्त छे। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा जयरे सवार में उठी त्यारे जोयू के बधा काम में व्यस्त छे। कोक सामान साफ करी रही छे, कोक शू करी छे जाड़ा बावा पाड़ी रहा छे। रेशमाए विचार्यू आजे कसीक नवी बात छे कहे। એટલે એની માને પૂછે છે, માં આજ કોઈ ખાસ બાત હૈ? સબ ઇતની સુબહ ઉઠકર ઘર કી સફાઈ મેં જુટે હૈ? રેશમાને ઉત્સુકતા સે પૂછા। રેશમાએ તો ઉત્સાહમાં આવીને પૂછ્યું, મમ્મી આજે કંઈ નવી વાત છે કે છે? બધા ઘરમાં ઉઠીને સફાઈમાં લાગી ગયા છે। હા બિટિયા રાની, ત્યોહાર કે દિન હૈ, ભૂલ ગઈ ક્યા? પહેલે સે હી સાફ સફાઈ હો જાય તો અચ્છી તરહ ત્યોહાર કા આનંદ લે પાએંગે। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माए पण जवाब आप्यो के बेटा तू भूली गई, हवे त्यौहार ना दिवस तो छे, पहले थी साफ सफाई करी राखीशू तो त्यौहार नो आनंद माणवानी मजा ज आवशे। माए रेशमा ने प्रेम थी कह्यू। ओह मैं तो एकदम भूलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। एटले रेशमा एनी मम्मी ने कहे कि माँ तमे मने तो कशु काम आप्यु ज नहीं, मने तो काम आपो, मैं हूँ शू करूँ के छे। अच्छा चलो पहले नहा धोहा कर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। माँ ने कहा कि चल पहले तू नहीं धोई काढ़, पछी हूँ तने काम सौंपू, कारण के घना बदा काम छे। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोवा कर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। माँ ने बोला कि अब तुम नहा धोवा कर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें काम सौंपती हूँ कैसे। और यानी जे पैंडावाड़ी जे खुर्सी थी एम एने बेसाड़ी दीदी।
रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। पछी ए तो एनु પોતાનું દૈનિક કાર્ય જે હતું એમાં એ લાગી ગઈ। રેશમા જબ 5 સાલ કી થી તભી સે ઉસકે દોનો પેર કામ નહીં કરતે થે। ઉસે બહુત તેજ બુખાર હુઆ ઓર ઘુટનો સે નીંદ નીચે દોનો પાંવ એકદમ બેજાન હો ગયે। વો જબ 5 સાલ કી થી તબ એક બાર બહુત બુખાર આયા ઓર એક વાર એને ઘણો જ તાવ આવ્યો અને એકદમ બંને પગોથી એ બેજાન થઈ ગઈ। બહુત ઇલાજ કરવાયા પર રેશમા કે પાંવ મેં જાન નહીં આવી, ઉસે પોલિયો હો ગયા થા। રેશમા બહુત હિંમત વાલી લડકી થી, શરૂ શરૂ મેં ઉસે જરૂર દૂસરો કી સહાયતા લેની પડી, પરંતુ અબ 11 સાલ કી ઉમ્ર મેં વહ અપને સારે કામ સ્વયં કરતી। पहले पहले तो उसको थोड़ी परेशानी हुई, फिर अब वह 11 साल की हो चुकी है। 11 वर्ष नहीं थी गई छे, हवे एने कोई नी जरूर पड़ती नथी, ये पोतानु काम जाते ज करे छे। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, ते पोताना परिवार ऊपर बोझ बनवा मांगती नथी अने पोतानु काम ए जाते ज करे छे। આગળનો પાઠ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।